हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेडी क्रूसिया बाय संजू। आज मैं आपके लिए टू कलर का डिजाइन लेकर आई हूं जो आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन डालकर मैं छोटी सी पैटर्न बनाई हूं। ये डिजाइन इस तरह से बनती जाएगी। देखिए, ग्रे कलर से सीधी इस तरह से बनती गई है और वाइट कलर से इस तरह से सीधी बनती गई है। सेम इसी तरह डिजाइन बनती जाएगी। फ्रेंड्स, आप ये डिजाइन डालकर स्वेटर बना सकती हैं, कैप बना सकती हैं और ये डिजाइन डालकर शूज भी बना सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं देखिए ऑरेंज कलर और वाइट कलर, उनका कलर कॉम्बिनेशन मिलाई हूँ। आप अपने पसंद से उनके कलर कॉम्बिनेशन मिला लें, उसके बाद ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करें। 11 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ और इस सिलाई में मैं 25 फंदे डाली हूँ और 4 रो में दोनों तरफ से उल्टा सिलाई बना ली हूँ। ठीक है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। ये डिजाइन फ्रंट साइड से बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन ज्वाइन करूँगी। आप चाहे तो फर्स्ट रो में डिजाइन आप ये ऑरेंज कलर से भी बना सकती हैं। मैं देखिए वाइट कलर से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं देखिए वाइट कलर का ऊन ज्वाइन कर ली हूँ। अब मैं ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। 1 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी इस तरह से और दूसरा फंदा मैं देखिए यहाँ पे सिलाई डालूंगी। यहाँ से नहीं डालू, यहाँ पे मैं सिलाई डालूंगी और इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूंगी। 1 फंदा में सीधी सिलाई बुनूंगी और दूसरा फंदा में देखिए यहाँ पे सिलाई डालूंगी और इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूंगी। 1 फंदा में सीधी सिलाई बुनूंगी और देखिए दूसरा फंदा में यहाँ पे इस तरह से सिलाई डालूंगी और सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए इस तरह से धागे खुल जा रही है, इससे डिजाइन बनेगी। सेम इसी तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो कंप्लीट कर ली हूँ मैं। देखिए फर्स्ट रो में आपको डिजाइन नहीं समझ में आएगी, जब टू रो डिजाइन बन जाएगी उसके बाद ये डिजाइन बहुत अच्छे से दिखेगी। सेकेंड रो में मैं बैक साइड से पूरी रो में सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं थर्ड रो में बनाऊंगी। थर्ड रो में जैसे मैं फर्स्ट रो में बनाई थी उसी तरह मैं थर्ड रो में बनाऊंगी। देखिए ऑरेंज कलर से 1 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी, 2 देखिए 2 फंदा मैं सीधी सिलाई बुनूंगी और तीसरे फंदा में यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी। देखिए इस तरह से फर्स्ट रो में मैं 1 फंदा सीधी सिलाई बुनी थी और दूसरा फंदा में डिजाइन बनाई थी। थर्ड रो में मैं देखिए 2 फंदा सीधी सिलाई बुनी हूँ और तीसरा फंदा में डिजाइन बनाई हूँ। देखिए 1 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी और दूसरा फंदा देखिए यहाँ पे सिलाई डालूंगी और इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूंगी। 1 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी और दूसरा फंदा में देखिए सिलाई यहाँ पे डालनी है और इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूंगी। 1 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए व्हाइट कलर की 1 रो डिजाइन इस तरह से दिखने लगी है। सेम इसी तरह मैं पूरी रो कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए डिजाइन इस तरह से 1 रो बन गई है व्हाइट कलर से। अब मैं फोर्थ रो में पूरी रो सीधी सिलाई बुन लूंगी, जैसे सेकेंड रो बनाई थी उसी तरह मैं फोर्थ रो बनाऊंगी। के इस तरह से पूरी रो में सीधी सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगी तो ऑरेंज कलर के डिजाइन दिखेगी, जैसे व्हाइट कलर की डिजाइन दिख रही है उसी तरह से ऑरेंज कलर की डिजाइन दिखेगी। जैसे मैं फर्स्ट रो सेकेंड रो बनाई थी उसी तरह से मैं पूरी डिजाइन बनती जाएगी। देखिए 5 रो में बना रही हूँ। 1 फंदा सीधी सिलाई बनाऊंगी और दूसरी फंदा में इस तरह से यहाँ पे सिलाई डालकर इस तरह सीधी सिलाई बुन लूंगी।
वन फंदा सीधी सिलाई बनाऊंगी और दूसरी फंदा मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई डालूंगी, सीधी सिलाई बुन लूँगी। वन फंदा सीधी सिलाई बनाऊंगी, दूसरा फंदा मैं डिजाइन बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, देखिए ऑरेंज कलर की डिजाइन दिखने लगी है, जैसे व्हाइट कलर की दिख रही है सेम उसी तरह ऑरेंज कलर की डिजाइन बन रही है। सेम इसी तरह ये डिजाइन बनती जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 रो डिजाइन बना ली हूँ। 3 रो व्हाइट कलर से बनाई हूँ और 2 रो ऑरेंज कलर से बनाई हूँ। सेम इसी तरह डिजाइन बनती जाएगी। देखिए डिजाइन बहुत सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करें बनाएं इसे। और बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। देखिए सेम इसकी तरह डिजाइन बनी है। जब आप बड़ों के लिए बनाएं तो इस टाइप का कलर ले लें, और बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो इस टाइप का कलर ले लें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।